set your goal as peace and organize your life around it. Welcome everyone at Live Simply with Sangeeta. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing very well. सबसे पहले मैं करना चाहूंगी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए. तो अपना सपोर्ट और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा आने वाले वीडियोस के लिए भी. ऑर्गेनाइजेशन तो हम सब करते हैं अपने घर में, बट उसी ऑर्गेनाइजेशन को इतने ब्यूटीफुल तरीके से करना कि किसी को पता ना लगे कि हमने क्या जुगाड़ किया है, कहाँ से चीजें बनाई हैं, और देखने वाला एक बार नोटिस जरूर करे. तो आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन हैक्स, कुछ ऐसी ही चीजें जिनकी मदद से आपका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और भी इजी और ब्यूटीफुल. तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा. हमारा आज का पहला DIY है जो बनेगा किसी भी टॉवल, बेडशीट या किसी भी चीज़ की मदद से आप बना सकते हैं. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक टॉवल और इसकी मदद से बनाने वाली हूँ मैं एक सुंदर सा प्यारा सा पिलो, जिसको किसी को देख के पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस चीज़ से बनाया है. और घर में रखी ऐसी ही चीज़ों को यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं. तो सबसे पहले इस तरह ट्रायंगल की शेप में हम टॉवल को फोल्ड करेंगे. इसका रीज़न देखिए आप जान ही गए होंगे, ताकि आप इसके किनारे अंदर की तरफ एडजस्ट कर पाएँ. और उसके बाद लेना है आपको कोई भी आपका फेवरेट सुंदर सा दुपट्टा या कोई भी इस तरह का स्क्वेयर क्लॉथ, बीच में से इस तरह से रबड़ से लगा के टाई कर लें. थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें यहाँ एक्स्ट्रा रखना है. और फिर इसको पलट के यहीं पर सेंटर पर आपको वो अपना टॉवल रख देना है, ये देखिए. और अब बड़े ही आराम से सारे के सारे किनारे एक साथ कलेक्ट करते हुए आपको एक गांठ के जैसा बना लेना है. इसको प्रॉपरली टाइटली आप इसको खींचे और इस तरह से एक बार घुमा दें ताकि ये पूरा टाइट हो जाए, ये देखिए. और इसको पीछे की तरफ निकाल लें और ये जो रबड़ हमने लगाया था इसको हटाकर दूसरी तरफ से उस कपड़े को अच्छे से पकड़ लें और एक राउंड इस तरह की गांठ बनाकर इसके ऊपर कोई भी रबड़ लगा सकते हैं या तो आप धागे से टाइट कर सकते हैं. ये देखिए ये बनकर तैयार हो गया है आपका एक प्यारा सा कुशन. बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है. तो मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ इस तरह से दो, एक पिंक कलर का और एक ब्लू कलर का. ये देखिए सेम यही प्रोसीजर है, बीच में थोड़े से धागे को इस तरह से कपड़े को टाई कर ले धागे से या रबड़ से, और पलटकर यहाँ पर अपना कोई भी टॉवल, ब्लैंकेट या कोई भी चीज़ आपकी जो सॉफ्ट सी है इस तरह से आप जिसको रोल कर सकें उसको कलेक्ट करके यहाँ पर रख दें. बस अब पीछे की तरफ करके हम वो रबड़ निकाल के उसी रबड़ से इसको प्रॉपरली टाई कर लेंगे. बहुत ही आसानी से बनने वाले कुशन है ये, ना इसमें हमें सिलाई की जरूरत है, ना हमें कुछ काटने की जरूरत है, इवन सुई धागे की भी जरूरत नहीं है हमें. और जब चाहे जब आपका मन करे निकाल के ये चीजें यूज कर सकते हैं, फिर से मिनटों में तैयार होने वाले हैं, कितने भी आप बना के रख सकते हैं. कैसा लगा ये आपको आइडिया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ. नेक्स्ट DIY है हमारा रिलेटेड शॉपिंग बैग से. शॉपिंग बैग के पता नहीं कितने ही अनगिनत यूज होते हैं, उन्हीं में से आज मैं आपको एक दिखा रही हूँ. इस तरह से कट करके हम इसको सेपरेट कर लेंगे 2 पीस में. ये मेरे पास एक शॉपिंग बैग रखा था, ये देखिए. इसके हमें बिल्कुल इक्वल 2 पीस कर लेने हैं. यहाँ बीच से मैं इसको कट कर ले रही हूँ, ये देखिए. अभी तैयार करते हैं एक प्यारा सा साड़ी कवर. उसमें चाहे आप अपने दुपट्टे रखें या साड़ियाँ रखें. ये मेरे पास एक बेडशीट के पूरी कवर रखा था जिसको मैं साइड से कट कर लूँगी और ये तैयार हो जाएगा साड़ी कवर बनाने के लिए. ये देखिए इस तरह से कट कर लिया है. जितना भी साइज इस बैग का है उसी हिसाब से हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे मेजर करके. और फिर चाहे आप इसको सील लें या तो पेस्ट कर लें, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं. मैं इसको सिलाई करने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा लंबा चलने वाला बन सके ये. ये देखिए इस तरह से तीनों तरफ से मैंने सील लिया है और साथ ही में लगा दी है वेलक्रो इसके ऊपर यहाँ पर, जिसको इससे बंद करना आसान हो जाए. और हैंडल मैंने कट नहीं किया है ताकि ये मेरे को हैंग करने के काम आए अलमीरा में. देखिए इस तरह से वेलक्रो अटैच कर दिए, साथ में मैंने एक छोटा सा फैब्रिक लगाया है ऊपर की तरफ
क्योंकि पन्नी के ऊपर सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह से आप कोई भी कपड़ा या कोई भी फैब्रिक लगाएं तो आसानी से सिलाई हो जाती है। और ये देखिए आपका साड़ी कवर तैयार है। आप चाहें इसको बेड में रखें या चाहें अपनी अलमारी में हैंग करके रखें। बहुत ही आसान है इसको बनाना, कितने ही आप शॉपिंग बैग से इस तरह के बना सकते हैं। मैंने दो बनाकर तैयार किए हैं, एक शॉपिंग बैग से मेरे दो साड़ी कवर बन गए हैं और खर्चा लगा है बस ये छोटा सा वेलक्रो का टुकड़ा, बाकी कुछ भी हमने बाहर से नहीं खरीदा है। तो ये देखिए ये है हमारा सुंदर सा साड़ी कवर, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट डीआईवाई है वो भी है हमारे होम डेकोर से रिलेटेड। ये मेरे पास एक पुरानी टी शर्ट थी, आपको देखिए बस इस तरह से पतली पतली लेयर में इसको कट कर लेना है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, ये भी मिनटों में तैयार हो जाएगा। इस तरह की तकरीबन 8-10 स्ट्रिप मैंने कट कर ली हैं और इनको एक साइड से कट करके इस तरह से लंबा कर लेंगे हम। अब आप ध्यान से देखते जाइए मैंने क्या किया है। सबसे पहले ऊपर की तरफ एक गांठ लगा लेंगे हम सारी ही स्ट्रिप को इकट्ठा करके, सिंपल सी कोई भी गांठ आप लगा सकते हैं। देखिए मैं सबको कलेक्ट करके इस तरह से एक गांठ लगा ले रही हूँ। फिर इनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, दो दो के पेयर में बना दीजिए इनको। और यहाँ पर भी फिर सिंपल सी आपको एक गांठ लगा देनी है, ये देखिए। इसी तरह ये जो हमारे चार पेयर बन के रेडी हुए हैं, क्योंकि मैंने 8 स्ट्रिप ली हैं, चाहे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अदरवाइज इतनी भी इनफ है। ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्ट कैसा होगा। अब उसके बाद जो एक स्ट्रिप है उसमें से एक लेके और एक साइड वाले से लेके इस तरह से हम इसको, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे आपको इसको टाई करते जाना है, छोटी छोटी गांठ लगा देनी है। इसमें भी कुछ भी सिलाई वगैरह का काम नहीं है हमारा, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में बनकर तैयार है ये, ये देखिए। और जो यहाँ की एक किनारे की और एक दूसरे किनारे की स्ट्रिप लेके इनकी भी हम अच्छे से गांठ लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा एक तरह से हैंगिंग पोर्ट के लिए मटेरियल रेडी। अब चाहें तो आप इसमें इसको इकट्ठा करके सबको एक ऊपर की तरफ गांठ लगा के, मैंने ग्रिल पर इसको अटैच कर दिया है मेरी रेलिंग पर, और ये मेरा तैयार हो गया है हैंगिंग पोर्ट। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, इस तरह से कितने भी आप बनाकर लगा सकते हैं। बहुत ही स्टर्डी है, ये नहीं गिरेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसको चारों तरफ से स्ट्रेंथ है। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह के कहीं पर भी अपने प्लांट्स हैंग करने के लिए। ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब है हमारा आज का लास्ट DIY। मुझसे किसी ने डिमांड की थी कि काउंटर स्पेस पर बोतल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या है। मुझे नाम याद नहीं है उन सब्सक्राइबर का, बट मैं उन्हीं के लिए तैयार कर रही हूँ ये। ये देखिए आटा बैग है, पहले मैंने इसको कट करके एक साइड से क्लीन कर लिया है, और ये मेरे पास एक वॉलपेपर रखा था। आप चाहें तो कैसा ही भी पेपर या कपड़ा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, बट मुझे वॉलपेपर यूज़ करना काफ़ी ईजी लगता है, तो इसीलिए मैं बस इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। और इस तरह से वॉलपेपर से बनी चीजें सुंदर भी बहुत लगती हैं, पता ही नहीं चलेगा आपने किस चीज को यूज किया है। ये देखिए अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे, बड़ी आसानी से चिपक जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। सेम इसी तरह मैं इसके दूसरी साइड भी लगा लूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारा एक अंदर की तरफ, और हैंडल के लिए मैं कट कर रही हूँ किसी भी रैंडम बैग के हैंडल, क्योंकि हमें इसको हैंग करना है, तो इनकी यहाँ पर मैं सिलाई करने वाली हूँ। और ये देखिए बनकर तैयार है हमारा हैंगिंग बोतल ऑर्गेनाइजर। अब मैंने यहाँ पर साइड में क्यों लगाए हैं ये हैंडल, इसका रीज़न अभी मैं आपको बताती हूँ। जब आप बोतल डालेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, तो आपकी बोतल बाहर गिरने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हैंडल को मैंने एक तरफ को लगाया है ताकि बोतल सामने की तरफ ना गिरें। इसमें 4 से 5 बोतल आसानी से रख सकते हैं, देखिए मैंने पूरी 5 बोतल रख के दिखाई हैं। आटा बैग से आपका इतना प्यारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। हैंगिंग स्पेस को हम यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल स्पेस को, हमारा काउंटर स्पेस बिल्कुल फ्री रहेगा। इस तरह से आप अपनी बोतल ऑर्गेनाइज करेंगे तो सब लोग आपसे ज़रूर ही इम्प्रेस होंगे।
कैसे लगे आपको सारे ही आइडिया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में बहुत सारे नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय एंड हैव अ नाइस डे।